अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग माय ब्यूटीफुल लेडीज एंड माय यूट्यूब फैमिली एंड माय फेसबुक फैमिली। क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मजे में होंगे और समर को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। हर जिंदगी का हर जो सांस है हमारे लिए, हर दिन जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। हर लम्हा में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आमीन सुमा आमीन। तो चलें चलते हैं आज की खूबसूरत सी झटपट बनने वाली डिश जो कि हर घर में बनती है। तो आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन का सालन इमली के पानी के साथ, और साथ इसमें डलेगा, साथ हम बनाएंगे चिकन के कबाब, वो जो कि मैं बना चुकी हूँ लेकिन जस्ट आपको कह रही हूँ। तो चलें चलते हैं झटपट फटाफट। सिंपल सी इंग्रेडिएंट है जो कि हर घर में पाई जाती हैं। चूल्हा हमने इसका ऑन कर लिया है, ऑयल मैंने डाल लिया है 2 टेबल स्पून के मुताबिक। इसमें हम डालेंगे राई दाना, पहले इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा राई दाना। ये जैसे फटफट करेगा तो इसमें फिर हम डाल देंगे दूसरी चीजें। चलें जी, मैंने चिट्टू बट्टे में कूटा है डाल के, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा मैंने डाला इसमें कलौंजी, मेथी दाना एंड जीरा, और दालचीनी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये भी अब जाएगा इसके अंदर। मुझे पता है आप कह रहे होंगे कि इसमें तो कोई नहीं डालता, लेकिन मैं डालती हूँ, कभी डाल के तो देखें, इसका इतना मज़ा आपको आएगा कि बस आप कहोगे कि हमने पहले क्यों नहीं था डाला। मैं हर खाने में मैं ये मेथी दाना, कलौंजी, जीरा एंड दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। आप भी कीजिए, काफ़ी सारी प्रॉब्लमों से आप बच जाएंगे। अब इसमें जाएगा ऑनियन, ऑनियन को हम करेंगे सोते, सोते करने तक आप कुछ और कर लें, ताकि मैं वीडियो को बहुत लेंथी नहीं करना चाहती, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं कि ये तो ये है तो वो है। ठीक है, चलें जी, हमारे जो ऑनियन है वो ऑलमोस्ट हो गए हैं जितने हमें चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून जितनी आपकी सब्जी के हिसाब से, और साथ ही इसमें जाएगी अदरक की पेस्ट, वो भी सब्जी के हिसाब से। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी ताकि ये फुटफुट ना करे। मज़ेदार सा मसाला डालें इसमें, और अब हम इसके साथ ही डाल देंगे हल्दी। मैं हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसमें आप स्पून भर के डाल लें। हल्दी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, हल्दी कम कभी भी ना डालें। और इसमें डालें हसबे ज़रूरत नमक, ठीक है, क्योंकि नमक तो नमक आप कोशिश करें लाहौरी नमक यूज़ करें, पिंक नमक यूज़ करें, वो सबसे बेहतरीन है। ठीक है, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पोटैटो, मिस्टर पोटैटो। ठीक है, ये मैं धो के रखे हुए हैं या ये इतने से पोटैटो हैं, ये अब डाल दें। हम पोटैटो भुनेंगे और हम 1 प्याली डालेंगे इसमें वाटर। मैंने इसमें ग्राइंड करके मैं रख लेती हूँ, और ये हम इसमें अंदाजे से डाल देंगे तकरीबन 1/2 कप। अब हम इसमें डाल देंगे हसबे ज़रूरत मिर्च, जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आप लोग खाते हैं। मैं 1/4 चम्मच डाल रही हूँ, और साथ ही इसमें हम डालेंगे कड़ी पाउडर। ये आप ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट जो है डबल हो जाता है। थोड़ा सा डाल लें 1/4 टीस्पून के मुताबिक। अब हम इसको तकरीबन 3-4 मिनट भुनेंगे। चलें जी, अब टाइम हो गया बैंगन डालने का, अब हम इसमें बैंगन डालेंगे और इसको दम लगा देंगे। मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालती, कोई भी नहीं डालता वैसे पानी तो। वैसे मैंने सुना है कुछ लोग ना आलू बैंगन को कुकर भी लगाते हैं, किसी ने सुना है, किसी ने देखा है? मैंने सुना है काफ़ी लोगों से, पाकिस्तान में काफ़ी लोग कुकर लगाते हैं। चलें जी, इसको अब मैं ये साथ वाला हमने स्टोव ऑन कर लिया, तो इसको अब हम करेंगे हल्की आंच पे ताकि ये सब्ज़ी अपना सारा पानी छोड़ दे, और इसी के अंदर ये पकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब हम इसको इसकी वॉक लगा देंगे, इसके ऊपर
चलें जी, मैंने अब इसकी नोब इसको लगा दी है और ये स्टोव करूंगी मैं बंद और दूसरे स्टोव पे हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो जब मिलते हैं अब तकरीबन 15 मिनट के बाद जी, देख लें 10 मिनट के अंदर इसने अल्हम्दुलिल्लाह सारा पानी छोड़ दिया एंड ऑलमोस्ट डन। ये बस जैसे ही पानी सूखता है, पानी देख लें मैंने कोई नहीं डाला, ऑलमोस्ट गल गए। अब हम इसमें डालेंगे एंड पे कड़ी पत्ता, सूखा धनिया, जीरे का पाउडर एंड मेथी दाना और धनिया। तो आपके मज़ेदार, और अगर आपका दिल चाहे तो इमली का थोड़ा सा रस भी डाल सकते हैं, उससे और मज़ेदार बन जाएगा। तो चले इसको 5-6 मिनट देते हैं और पानी सूख जाता है तो बस बाकी की चीज़ें इसमें हम डाल देते हैं। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्लाह, ठीक है। चलें जी, खाना हमारा ऑलमोस्ट हो गया रेडी। अभी स्टेज पे हम डालेंगे ये पत्ते इसके, कड़ी पत्ता 2-3-4 जितने भी आपके पास है वो डाल लें। मेरे क्योंकि फ्रीजर में होते हैं इसलिए उनकी शक्ल जो है ना ब्लैक होती है, मगर जैसे ही वो डलते हैं ना इसके अंदर तो ठीक हो जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जी धनिया एंड क्या कहते हैं कोरिएंडर एंड क्यूमन सीड पाउडर, क्या कहते हैं जीरा एंड धनिया पाउडर। गरम मसाला नहीं कोई भी इसमें डालता, कई लोग डालते हैं, मैं डालते भाई। खाना हमारा ऑलमोस्ट हो गया रेडी, इसको सर्व करेंगे हम कढ़ाई के अंदर ही। इसको डिश में मैं नहीं डालूंगी, कढ़ाई के अंदर ही इसकी सर्विंग होगी। अब इसके ऊपर हम अभी डालेंगे धनिया, हरी मिर्चें किसी ने डालनी है डालें, नहीं डालनी ना डालें आपकी मर्जी है। और राइस के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, हाथ की रोटी के साथ खाएं, इट्स ऑल अप टू यू, यू आर द बॉस। अब हम काटते हैं धनिया तो ऊपर डाल के तो फिर फिनिश, ऑलमोस्ट बस स्टोव का बंद करने लगे। चलें जी, अब हम थोड़ी सी छिड़केंगे इसके ऊपर मेथी, सूखी मेथी, क्योंकि टाइम टू गो। थोड़ी सी सूखी मेथी आप स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर और थोड़े से जो धनिया की पीछे डंडियाँ नहीं होती इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी की तो खुशबू होती है। हमारे अम्मी कहते थे ये नहीं फेंकते, इसकी खुशबू होती है, पत्ते तो ऐसे ही होते हैं, खुशबू जो होती है सही इसकी होती है। तो टाइम टू फिनिश नाउ, इसके ऊपर हमारा घी आ चुका है। मुझे खड़े खड़े बैंगन अच्छे नहीं लगते तो इसलिए मैं तोड़ के ही खाती हूँ, मैं इस तरह की बनाती हूँ। मेरे भाई जान है वो चीज़ इस तरह की हो ना उसको चम्मच से तोड़ते अगर वो देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे। चलें जी, अब इसको हम करते हैं फिनिश। अब हम इसके करें ऊपर करेंगे धनिया स्प्रिंकल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिश होगी मुकम्मल। अब इसके ऊपर अगर आपको किसी का दिल करता है तो लेमन डाल ले, किसी का दिल करता है तो पर्दाल इमली का पानी डाल ले, इज ऑल अप टू यू। तो डिश होगी हमारी रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको सर्व करेंगे कढ़ाई के अंदर ही, आज इसको हम डोंगे में नहीं डालेंगे, कढ़ाई के अंदर ही सर्व करेंगे। चलें जी, ये देख ले मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ कैसा खूबसूरत सी डिश बनी है। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं आप एक अदर डिश के साथ, हम बना रहे हैं अगली डिश जो है वो भी इसी सब्जी की होगी, मगर वो होंगे कबाब, आलू बैंगन एंड पार्सली के खूबसूरत से मज़ेदार से कबाब, जो कि हर बंदा खा सकता है कोई गरीब हो अमीर हो, जिसने वेट डाउन करना है, स्पेशली वेट डाउन कर ले कि आपको पता है पार्सली एंड बैंगन बड़ा एक क्लियर सा ये अपना एक रोल अदा करते हैं। तो आपके लिए नई डिश होगी, मेरे लिए भी नई डिश होगी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप उससे एंजॉय करेंगे उसको, बहुत ही मैं लजीज बनाने वाली हूँ। तो चले मिलते हैं उस डिश के साथ, ठीक है जी। केजे को दुआ में याद रखिएगा, कुकिंग कॉर्नर को दुआ में याद रखिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स छोड़ें एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।